एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मॉनसून के सीज़न में हर मदर को एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हम बच्चे को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉनसून के सीज़न में आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम उन फूड्स की बात करते हैं जो मॉनसून के सीजन में आपको अपने बच्चे को नहीं देने चाहिए। इसमें सबसे नंबर वन लिस्ट में जो है वो है लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है कि लीफी वेजिटेबल्स आपको आप कितने भी अच्छे से धो लो आपको लगेगा साफ हो गया है, बट उनमें कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ऐसा हो सकता है कि आपसे वो मिस भी हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मॉनसून के सीज़न में बच्चों को किसी भी तरह का कोई लीफी वेजिटेबल ना दें। इसके अलावा अलग तरह की भी वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि बोलते हैं मॉनसून के सीज़न में करेला हो गया, बैंगन हो गया, मशरूम हो गया, इन चीज़ों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को ऐसी सब्जियाँ ना खिलाएं। दूसरी चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए मॉनसून के सीज़न में वो है दही। दही क्योंकि ऑलरेडी ठंडी तासीर वाली होती है और इसी तरह से आपका जो मॉनसून वाला सीज़न होता है उसमें ऑलरेडी थोड़ा ठंडक हो जाता है, तो बेटर है आप दही बच्चों को इस सीज़न में ना दें। बट अगर आपके बच्चे का दही के बिना काम नहीं चल रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको दिन के टाइम दही दें, और अगर बच्चे को कोल्ड का फ्लू ऑलरेडी है तो अवॉइड कीजिए दही। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है कटे हुए फ्रूट्स और रखा हुआ जूस। वैसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को ताज़ा ताज़ा काट के फल खिलाएं, और जो जूस पिला रहे हैं बच्चे को वो भी बिल्कुल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव वाले फ्रूट्स एंड प्रिजर्वेटिव वाले जो जूसेस होते हैं वो तो आपको अवॉइड करने ही चाहिए, बट अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं और जूस पिला रहे हैं तो वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फल ऊपर निकालिए। जैसे अभी मौसमी का सीज़न चल रहा है तो मौसमी का जूस निकालिए और ताज़ा ताज़ा बच्चे को पिलाइए। इसके अलावा फ्राइड फूड ऐसा होता है जो आपको इस सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है इस टाइम पर, डाइजेशन में ढंग से प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो आपको अगर आप उसको फ्राइड फूड खिलाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बच्चा क्रैंकी हो जाएगा और उसको अच्छा नहीं फील होगा। तो बेटर है कि आप मॉनसून के सीज़न में उसको फ्राइड ना। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए सीज़न में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गार्लिक। गार्लिक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको अपने बच्चे की डाइट में गार्लिक जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आप दाल बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, आप तड़का लगाते हुए थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिए, आप देखेंगे बच्चा बीमार नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आप अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है हींग। हींग आपको पता ही है ऑलरेडी गैस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हींग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चे की दाल में, दलिये में, हमारे यहाँ तो क्या करते हैं कि आटा गूंथते हुए भी थोड़ा हींग मिला के पानी रखा और उसमें आटा गूंथ देते हैं, तो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आपको बच्चे की डाइट में गुड़ जरूर इंक्लूड करना चाहिए। गुड़ एक बेहतरीन, मैं मानती हूँ कि गुड़ जैसा कुछ भी नहीं आता है। ऑलरेडी सीज़न ठंडा होता है, गुड़ के आप उसके सीज़न में गुड़ डालिए थोड़ा बहुत। अगर बच्चा रॉ फॉर्म में खा लेता है तो रॉ फॉर्म में दीजिए, नहीं तो आप उसको थोड़ा सा बारीक पीस के, जैसे कि आप दलिया खिला रहे हो मीठे वाला, तो उसमें डाल दीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट पाउडर, अगर आपका बच्चा बड़ा है च्यू कर सकता है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स डायरेक्ट खिला सकते हैं, बट अगर ड्राई फ्रूट बच्चा नहीं खा सकता तो आप उसके लिए ड्राई फ्रूट पाउडर बना लीजिए। इसी तरह से जैसे मैं बादाम देती हूँ तो मैं बादाम बच्चे को घिस के, अपने बच्चे को मैं बादाम घिस के देती हूँ, वो खा नहीं सकता, तो घिस के बादाम सुबह सुबह मैं उसको दे देती हूँ तो बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से किशमिश बहुत ही फायदेमंद होता है डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव। अगर वे मैं आपसे बात करूँ तो किशमिश बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को तो किशमिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एग आप खिला सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में आपने बच्चे के लिए ऑलरेडी आपने एग इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो आप अपने बच्चे को एग खिलाइए। एग की तासीर भी गर्म होती है, तो बच्चा अगर आपका एंजॉय करता है एग तो आप बच्चे को एग दे सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पे नहीं आप देना चाहते तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसको एग दे सकते हैं। इसके अलावा आप ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि मौसम ठंडा जरूर हो गया है बट गर्म भी है,
तो आप अपने बच्चे को पानी की क्वांटिटी जरूर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कंटिन्यूस इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे पानी पी रहा है। पानी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, एंड पानी की कमी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे के लिए वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं। तो वेजिटेबल सूप में जैसे भी मटर आ रही है, गाजर आ रही है, तो इन चीज़ों को इंक्लूड करके आप बच्चे के लिए वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और होप आपके बच्चे हेल्दी रहें।